बोलो नीब करौरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएनके मेरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाबा महाराज की लीलाओं के विषय में इधर बीच में कुछ समय से मैं नहीं आपसे चर्चा कर पाया, शायद उनकी इच्छा नहीं थी। पुनः मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा महाराज की चर्चा आज हम करना चाहते हैं कि प्रयागराज में जो मुखर्जी दादा का घर है और जो कमला दीदी माँ, उनके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। बात है 1965 की, 1965 की। कमला दीदी उस समय वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज की और रोज की तरह अपने कॉलेज से घर आती थी, लेकिन उस दिन कुछ विशेष बेचैनी सी उनको हो रही थी। बार बार महाराज जी को याद कर रही थी और उनके मन में बार बार आ रहा था कि हम जल्दी थोड़ा घर चले जाएं। दीदी जो है कहती हैं कि वो सोच ही रही थी। उन्होंने करीब 2:30 बजे के आसपास अपनी प्रिंसिपल से परमिशन ली घर आने के लिए और वो समय पूर्व लगभग 2:30-3 बजे अपने घर 4 चर्च लेन के लिए वापस चल दी। दीदी रास्ते में रिक्शे पे बैठ के जा रही थी। सर्दी उस दिन बहुत ज्यादा थी तो जूते और मोजे पहन करके कॉलेज गई थी। इतने में दीदी की नजर पड़ी कि जो इंडियन एक्सप्रेस का प्रेस था उसके सामने से एक कार जा रही थी और उस कार में परम पूज्य महाराज जी नीब करौरी जी महाराज कार में बैठे हुए थे अगली सीट पर और हाथ बाहर निकाले हुए थे, मतलब खिड़की पर रखे हुए थे। अचानक से दीदी की नजर पड़ी। महाराज जी को देख करके दीदी भाव विभोर हो गई और अत्यंत प्रसन्न होकर के मन ही मन प्रणाम किया। दीदी जी को लगा कि महाराज जी घर जा रहे हैं उनके, क्योंकि मुखर्जी दादा के घर में ही वो रुकते थे। दीदी इतनी बेचैन हो गई कि उन्होंने अपने जूते और मोजे उतार करके और किसी थैले में अलग रख लिए कि जल्दी से दौड़ के जाएंगे, महाराज जी को हाथ धुल के प्रणाम कर लेंगे और जूते मोजे उतारने में हमें देर लग सकती है। मतलब देखिए कितनी व्याकुलता अपने आराध्य अपने प्रभु को प्रणाम करने की। दीदी पहुंचती हैं घर। जब घर पहुंचती हैं तो मुखर्जी दादा बरांडे में ही खड़े हुए थे। दीदी ने पूछा, महाराज जी आए क्या, कहाँ हैं? तो मुखर्जी दादा बोले कि महाराज जी तो यहां नहीं आए। तो दीदी उनको इधर उधर देखती हैं, खोजती हैं, लेकिन महाराज जी उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़े। उनको लगा हो सकता है बाहर कहीं हो। दीदी बाहर भी गई लेकिन बाहर भी उन्होंने कहीं देखा नहीं उनको। अंत में वो घर वापस आ गई, जूते मोजे अलग रखे, सामान रखा, अपना हाथ पैर धुल के बैठी और सोचने लगी कि महाराज जी कहाँ गए। तब उनको लगा कि देखिए हमारा मन कितना विचलित था, आज हमारा मन नहीं लग रहा था कॉलेज में। बार बार महाराज जी की इच्छा हो रही थी, उनको मैं याद कर रही थी। तो देखिए भक्त की भावना को जान करके महाराज जी कैसे उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए और दीदी को सिर्फ दर्शन साक्षात दिए गाड़ी में बैठकर, और उसके बाद वो घर नहीं आए। अच्छा, आप लोगों को सोच करके ये लगता होगा कि ये सब बातें काल्पनिक हैं। नहीं, काल्पनिक नहीं है। जिन लोगों के साथ बीतती हैं उनसे पूछिए, अगर आप भी महाराज जी की भक्ति भाव में डूबेंगे, आप भी उनको अपना समर्पित कर देंगे जीवन, तो आपके साथ भी इसी तरीके की घटनाएं घटेंगी और तब आपको भरोसा होगा कि महाराज जी हैं क्या। लेकिन बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, सो करि कृपा करें दुख अंता। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक तो
ये सब बातें केवल कपोल कल्पित हैं, किसी के समझ से परे हैं, लेकिन जब महाराज जी की कृपा होगी तो ही उनका आप भजन कर पाएंगे, तो ही आप उनको याद कर पाएंगे, तो ही आप उनके विषय में चिंतन कर पाएंगे। ये बात हम कई बार बता चुके हैं, बार बार बताते हैं। महाराज जी ने कभी किसी से नहीं कहा कि पूजा करो, पुजारी बनो। महाराज जी ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात कही कि अगर करना है तो राम नाम का जाप करो, राम 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 कहो, अपने आप महाराज जी मिल जाएंगे। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं किसी से कुछ बताया। कोई भी बात लोग लेके जाते थे, कहते थे जाइए कह दो हनुमान जी से, जबकि स्वयं हनुमान जी हैं, लेकिन किसी से कभी नहीं बताया। तो महाराज जी तो उन्होंने कभी पाखंड को और विभिन्न प्रकार की बनावटी चीजों पर उन्होंने कभी जोर नहीं दिया। वो तो सच्ची श्रद्धा के भूखे थे। आपके मन में कितना प्रेम है इसके भूखे हैं। तो अगर आप महाराज जी को अपने घर में बैठ करके भी सच्ची श्रद्धा से अगर याद करते हो, गारंटी है कि महाराज जी आपको अपना आभास कराएंगे। लेकिन वो श्रद्धा आपकी बड़ी पवित्र और निर्मल होनी चाहिए। आशा करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और BNK मिरेकल्स को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में खूब फैलाएं, जिससे कि महाराज जी की कृपा उन सभी को मिले जो इसके पात्र हैं। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।